कई बार नोटिस किया होगा कि हमारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंटरप्रेन्योरशिप की जगह 9 to 5 जॉब्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा कि वो ऐसा क्यों करते हैं? वेल, इसका आंसर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। कॉलेजेस को उनकी प्लेसमेंट्स के बेसिस पर जज किया जाता है। जिस कॉलेज की प्लेसमेंट्स अच्छी होंगी, हर कोई वहीं एडमिशन लेना चाहेगा। क्या आपने कभी सोचा कि प्लेसमेंट्स की चकाचौंध के चक्कर में आप क्या खो रहे हैं और आगे जाकर आपको इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है? ये वीडियो 9 to 5 जॉब्स के अगेंस्ट नहीं है और ना ही कोई हेट फैलाने की कोशिश की जा रही है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको सच से रूबरू करवाना है, जिसके बारे में कोई अच्छे से बात नहीं करता, और अगर इसके बारे में कोई बात करना भी चाहे तो लोग उसे बेवकूफ़ समझकर इग्नोर कर देते हैं। अक्सर कॉलेजेस में ये बात की जाती है कि आज XYZ करके कोई कंपनी आ रही है तो उसमें सेलेक्ट होने की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि कोई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर उसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी कॉलेज स्टूडेंट के पास कभी लाइफ में कोई बिजनेस आइडिया आया ही नहीं होगा। हर कोई कभी ना कभी किसी न किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर उसके ऊपर काम करना चाहता है, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम में ऐसा करने से रोक देता है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि स्कूल्स एंड कॉलेजेस की मैनेजमेंट को सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है, ना कि स्टूडेंट्स के फ्यूचर से। इसलिए स्कूल्स एंड कॉलेजेस की मैनेजमेंट अपने मोटिव्स को फुलफिल करने का सबसे आसान रास्ता ढूंढती है, और वो है स्टूडेंट्स को अच्छी प्लेसमेंट्स ऑफर करना, जिससे स्टूडेंट्स एंटरप्रेन्योरशिप से डाइवर्ट होकर सिर्फ प्लेसमेंट्स के बारे में ही सोचें और सिर्फ प्लेसमेंट्स की ही तैयारी करें। ऐसा करने से जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स कॉलेज से प्लेस होंगे, कॉलेज का नाम उतना ही ज़्यादा चर्चा में आएगा, जिससे उनकी अच्छी खासी मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग हो जाएगी। मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप को इसलिए फोकस नहीं करती क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप कोई आसान काम नहीं है। ये कोई फैशन नहीं है जिसे आप टाइम के साथ कभी भी बदल सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है लाइफ टाइम के लिए अपने आप को किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए समर्पित कर देना, जो कि कॉलेजेस के लिए ये सब कुछ करना उनके प्रॉफिट्स के लिए सही नहीं है। यही सबसे बड़ी वजह है कि इंडिया में क्यों इतने स्टार्टअप्स फेल हो रहे हैं और क्यों हमारे पेरेंट्स हमें एंटरप्रेन्योर बनने की जगह गवर्नमेंट जॉब्स करने की तरफ फोर्स करते हैं। दरअसल गलती हमारे पेरेंट्स की भी नहीं है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स के टाइम पर भी ऐसा ही होता था। जो अच्छे पैकेज पर प्लेस होता था, सोसाइटी में उसकी इज्जत और ज़्यादा बढ़ जाती थी। तो यूँ समझिए कि ये ट्रेंड कई सालों से चला आ रहा है, और कॉलेज वाले इसी ट्रेंड एंड साइकोलॉजी का फ़ायदा उठा अपनी जेब गर्म करने में लगे हुए हैं। जॉब करने का बीज हमारे दिमाग में कॉलेज के पहले दिन से ही डाल दिया जाता है, जो लाइफ टाइम हमारे साथ रहता है। यही वजह है कि क्यों स्टीव जॉब्स जैसे बड़े एंटरप्रेन्योर्स कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, क्योंकि उन्हें बहुत जल्दी समझ आ गया था कि कॉलेजेस हमें लाइफ में सक्सेसफुल बनाने में हमारी कोई खास मदद नहीं कर सकते। ये सिर्फ हमसे हमारे ही पैसे लूटकर हमारे ऊपर बेफालतू का स्ट्रेस डालेंगे, जो कि हमारे लिए सही नहीं है। जितने भी व्यूवर्स मेरी ये वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि लाइफ में और कुछ करें या ना करें, लेकिन अपने आइडिया पर एक बार काम ज़रूर करें। जब आप खुद के लिए खुद पर काम करेंगे, तो आपको आपकी वो हिडन पावर्स के बारे में पता चलेगा जो आगे चलकर आपको लाइफ में बहुत आगे लेकर जाएंगी। खुद का बॉस बनकर खुद को ऑर्डर्स देना और खुद ही अपने दिए हुए ऑर्डर्स को ईमानदारी से फॉलो करना एक बहुत बड़ा आर्ट है, जो कि हर किसी की बस की बात नहीं है। इसलिए स्कूल्स एंड कॉलेजेस के सिलेबस एंड मार्क्स को ज़्यादा सीरियसली मत लो, क्योंकि ये सब चीज़ें एक जगह आकर ख़त्म हो जाती हैं और वहाँ से शुरू होती है आपकी असली जर्नी, जिसे अच्छे स्किल्स एंड राइट नॉलेज के जरिए ही तय किया जा सकता है। रंग दे बसंती मूवी का आपने वो फेमस डायलॉग तो सुना ही होगा, नौकरी ढूंढो, पैसे कमाओ, घर बसाओ, ते लाइफ दे इशारों पे नचते जाओ, टिमलक लक ते टिमलक लक। कॉलेज दे गेट दे इस तरफ हम लाइफ को नचाते हैं, ते दूजी तरफ लाइफ हमको नचाती है। जब ये डायलॉग पहली बार मैंने सुना था, तब समझ में नहीं आया था, लेकिन आज इस डायलॉग को सुनता हूँ तो समझ आता है कि इसमें कितनी गहराई है।
क्योंकि यही लाइफ की असली सच्चाई है। मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा कि ये वीडियो किसी तरह की कोई हेट फैलाने के लिए नहीं बनाई गई है। इस वीडियो का मकसद आपको सिर्फ लाइफ की रियलिटी दिखाना है कि कैसे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ के होते हुए भी हम अपने आप को एक दायरे में बंद कर लेते हैं और पूरी लाइफ यही सोचते हैं कि शायद यही सही है, क्योंकि इस दुनिया के 98% लोग ऐसा ही कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको 2% क्लब में आना है तो आपको काम भी वैसे ही करने पड़ेंगे। 2% क्लब इस दुनिया का ऐसा इकलौता क्लब है जहां आप किसी तरह की मेंबरशिप लेकर नहीं घुस सकते। इसमें घुसने के लिए आपको अपने आप को उस काबिल बनाना पड़ेगा जिससे इस 2% क्लब के दरवाजे खुद ब खुद अपने आप आपके लिए खुल जाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने इस वीडियो के ज़रिए आपको कुछ नया सिखाया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और ऐसे अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर